16 साल का एक बालक खड़ा है जिसके कंधे पर धनुष बाण है। भगवान ने उस बच्चे से कहा है कि तुम बीच में क्यों खड़े हो, युद्ध करने आए हो, अगर उधर से आए तो उधर से उधर जाओ, इधर से आए तो इधर जाओ। तो बालक बोला बात कुछ और है। बोले क्या बात है? बोले सुनो, दीन बंधु भगवान। बालक कह रहा है प्यारे कि दीन बंधु भगवान करम जई है रहो अनहोना। बालक बोला सुनो, बीच में इसलिए खड़ा हूँ, मेरे लिए निमंत्रण नहीं, इधर से आया है और नहीं। भगवान बोले निमंत्रण जब ना आया तो बिना बुलाए आने ना मरी पड़ी दिखाए चले आए। बालक बोला कुछ राज है। बोले राज क्या है? बोले सुनो। बालक बोला ए गिरा बालक ने उच्चारी उच्चारी कर दे गए धनुष और बाण हुकुम दे गई मेरी महातारी कर दे गए धनुष और जवाब दिया है बिना बुलाए जा सुहाए में मैया ने मुझे धनुष बाण दिए हैं और हमसे एक बात कही है का ए बचन को पालन कर दियो बेटा ए बचन को पालन कर दियो जातल की दीख है हार मदद बाई कर दियो के मैदान में कौरव पांडवों की युद्ध को देखने जाना बेटा, और जिधर का पक्ष तुम्हें हारता दिखाई दे उसी की मदद करने के लिए तुम्हें युद्ध करना शुरू कर देना उसे जिताने के लिए। क्या? बोले हाँ। सुनो, जैसे ही जब बात कही भगवान बोले लला एक बात बता। बोले का आज से पहले धनुष बाण पहले कब और चलाए की पहली बार चलाए गया। बालक कहने लगा अगर संशय है तो युद्ध करके आने वाले। भगवान बोले क्या? बोले हाँ। भगवान बोले लला एक बात बता। बोले क्या? तू है कौन? पहले अपना परिचय दे, क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरे माता पिता का? तो बालक बोला सुनो ए भीम भीमसेन को मेनाती और घटोत्कच पक्ष को लाल बतायो मैं बतिया सारी घटोत्कच को और सुनो मोरनी ए मारवी माता हमारी है
बालक कहने लगा मेरा नाम बर्वरीक है, पिता का नाम गडोपक्ष है, मेरे बाबा का नाम भीमसेन है, मैया का नाम मौरवी देवी है, मेरा नाम बर्वरीक है। भगवान बोले हाँ, बोले हाँ। भगवान बोले लल्ला आज से पहले कभी धनुष चलाओ, संशय हो तो अंजवाओ। भगवान बोले एक काम करो, क्या एक ही बाण, एक बाण निकालो और एक ही बाण के उस नोक पर लाल रंग का निशान लगाकर उस बाण को छोड़ो और एक ही बाण से जितनी सेना है, जिसने हाथी घोड़ा है जितने, सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर दिखाओ। बर्वरीक ने बाण के नोक पर लाल रंग का निशान लगाया, बाण छोड़ा, बाण गया, सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर लौट आया। भगवान सोचने लगे ये तो गड़बड़ लग रहा है। भगवान का फिर भी संशय दूर नहीं हुआ, बच्चे को लेकर पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। भगवान बोले एक ही बाण में पीपल के सारे पत्ता छेद के दिखा। बोले ठीक है, बाण निकाला, धनुष पर बाण रखा, जैसे ही मस्तिष्क से लगाया, नेत्र बंद किए, भगवान को मौका मिलेगा पीपल को पत्ता तोड़ो और पैर के नीचे दबाए लो। बर्वरीक ने बाण छोड़ा, एक ही बाण पीपल के सारे पत्तों को छेद आया और अंत में वो बाण आकर के भगवान के पैर के तलवे के नीचे टकरा गया। बर्वरीक कहने लगे माधव अपना पैर हटा लीजिए वरना आपके पैर को चीरता हुआ बाहर निकाल दूंगा इस बाण को। भगवान ने घबरा करके एकदम पैर हटाया। भगवान सोचने लगे कौरव पांडवों को युद्ध कम से कम 18 दिन चलना चाहिए, लेकिन जो छोरा के हिसाब से तो युद्ध 18 मिनट को भी ना है, कहा करें कष्ट तो करना पड़ेगा। और ये सत्य है कि मुझे पांडवों को जिताना है और पांडव जीतेंगे तो जो कौरव की सहायता करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा पांडवों की सहायता के लिए। भगवान बोले वश्य। बोले हाँ, मैंने ये सुना है कि जो बाणधारी होते हैं ना वो दानधारी भी होते, दानी भी होते, क्या तुम भी दानी हो? बर्वरीक बोले अगर कोई संशय है तो मांग लो। तो भगवान बोले अगर देना चाहते हो तो सुनो। रणभूमि के बीच में मांग रही जगदीश, दान करे रण मध्य में मोए दे दे अपनो शीश, अपना शीश काट कर हमें दे दे। बर्वरीक ने देर नहीं की, तलवार निकाली, अपना सर धड़ से अलग करके अपना सर अपने हाथ में लेकर के भगवान को देने लगा। लेकिन मेरी माँ कटा हुआ सर कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरी बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, अरे मेरो शीश दान में ले लायो मेरी, बोला मोको समर करन को भारी चाव, मोको समर करन को भारी चाव, अरे मेरे मन की मन में रह गई मोको, बनी की बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, अरे मेरो शीश
जैसे ही शीश बोला कि प्रभु मेरी मन की मन में रहेगी, भगवान बोले क्या रहेगी मन की मन में, बोले प्रभु मेरी इच्छा थी मैं कौरव पांडवों के युद्ध को देखूं। भगवान कहने लगे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी तुम युद्ध देख सकते हो लेकिन युद्ध कर नहीं सकते। बोला प्रभु मेरी एक इच्छा और है। बोले क्या? मेरा ब्याह नहीं भयो। भगवान बोले ब्याह ना वो। बोले हाँ। भगवान कहने लगे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कली काल कलयुग में जब शादी होगी, बारात दरवाजे पर आएगी, सबसे पहले बरोना नाम से मंडप के नीचे तुम पूजे जाओगे, रखे जाओगे, उसके बाद दूल्हा दुल्हन मंडप के नीचे। अच्छा प्रभु मुझे एक वरदान और दे दो। बोले क्या? शीश कटो अब कही रहो मेरी बात सुनो घनश्याम, और जाल कलयुग के मध्य में मोए दे दो अपनो नाम, मुझे आप अपना आधा नाम दे दो। भगवान ने कहा तथातु अस्तु, ऐसा ही होगा भाई प्यारे। सिर लेकर के भगवान ने वृक्ष पर टांगा, कौरव पांडवों के युद्ध को लगातार 18 दिन देखा। भगवान ने जो कटे हुए शीश को जो वरदान दिया था, ठीक है आधा नाम लीजिए, वही परवरी आज इस कलयुग में खाटू श्याम नाम से सच्चे देव पूजे जाते हैं, जो हारे के सहारे कहलाए जाते हैं। बोली हरे की सहारे की महाराज कौरव पांडव।